अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आपके साथ दो लोग और काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे और क्या मामला है? भैया हम एसएस रेलिंग एल्यूमिनियम की स्टील का काम करते हैं। हाँ। रेलिंग लगाने का चढ़ाव पे, तो ये रेलिंग लगाते टाइम हाई वोल्टेज वायर से पाइप टकरा गया स्टील का, तो लड़के को करंट लगा। लड़के को बचाने के चक्कर में हमारे भोपाल जी जो ठेकेदार है में ये पाइप से छुड़ाना गया लड़के को, तो इनको भी साथ में करंट लगा। अच्छा, जिनकी डेथ हुई इनका क्या नाम है? रौनक। हाँ, रौनक क्या करने वाले? ये इटावा के, इटावा के और क्या नाम है? अच्छा, उसको जब करंट लगा रौनक को तो ये बचाने गए थे जगदीश जी ना? जी। क्या तुमने बता रहा था भी ऊपर से नीचे भी गिरे थे ये? हाँ। तो कितनी मंजिल ऊपर से नीचे गिरा? ये तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पे गिरे। ठीक है, क्या नाम है आपका? आप भी उस समय वहाँ पे थे ना? मैं नीचे वाले दूसरी मंजिल पे काम कर रहा था। ठीक है, क्या हुआ था इनको, क्या क्या एकदम से करंट लगा था, क्या मामला था ये? सर मैं तो था नहीं वहाँ पे, मैं बता नहीं सकता इस पार्ट, तो बाकी जो है वो लड़का था उससे। अरे आपने क्या देखा, आपको क्या सूचना मिली थी? बॉडी उतारी थी सर, करंट से था तो ये मरा हुआ था। ये वहाँ पे क्या कर रहा था? ये वहाँ पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा था? रेलिंग का। रेलिंग का, तो कितने लड़के थे वहाँ पे काम करने वाले? काम करने वाले तीन जने थे। तीन जने थे। ये कहाँ पे काम कर रहा था? ये एसएस का। एसएस का। ये इसने पाइप पकड़ा था क्या? इसने ही पाइप घुमाया था। फिर क्या हुआ? फिर इनको करंट लगा और वैसे फिर वो छुड़ाने गए। वो छुड़ाने गए तो मतलब उनको भी करंट लग गया। कुल कितने लोगों को लगा? दो लोगों को लगा ना। क्या नाम है इनका जो मरा? एसएस का काम है। इसका नाम क्या है इनका? इनका नाम नहीं बताऊंगा। उसका नाम क्या है? उनका जगदीश मालवीय। जगदीश मालवीय। कहाँ के निवासी हैं? ये अपने देवास के ही है। आपका नाम क्या है? राहुल गोयल। कहाँ काम करते हैं दोनों? ये दोनों तो छुट्टा खुल्ला काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? मतलब मजदूरी मतलब ठेके लेते हैं वो जिया जी और काम करते हैं लेबर साथ में लेते हैं। मामला आया था, उसमें एक व्यक्ति एक लड़के डेड हुई है और व्यक्ति घायल है, क्या पूरा मामला? हाँ, अनिल जी नगर में रौनक 15 साल का बच्चा एक लोहे का पाइप लेके घर पे जा रहा था, तो इसका हाई वोल्टेज लाइन का तार टच हो गया, तो जिससे इसको करंट लग गया। उसको बीच बचाव में जगदीश जी ये डंडा लेके गए थे, तो इनको भी करंट लगा दोनों में, जिसमें रौनक की मृत्यु हो चुकी है जो कि 15 साल का है, और जगदीश जी को भी सीवियर करंट लगा है, उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। कैसी हालत है सर, रेफर करनी जैसी कुछ नहीं? अभी तो स्टेबल है जगदीश जी, बाकी रौनक को अपन ने पीएम रूम में शिफ्ट करवाया। सर कहाँ के निवासी हैं? दोनों इटावा के निवासी हैं और इनका घटनास्थल अनिल श्रीनगर है। ठीक है, आपका नाम? डॉक्टर रजत सिंह, एमजीएच।